हेलो एवरीवन, स्वागतम सुस्वागतम सिलेक्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से आए हैं अपनी कार्स में बैठ के कार सीरीज को डिस्कस करने के लिए। बट आज आपके लिए खुश खबरी भी है, अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स बस खत्म ही होने वाले हैं। ठीक है, तो खुश हो जाओ यार, फिर नए मंथ के करेंगे। तो आज के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ पे मूव करेंगे। टॉपिक नंबर वन, आईएफएससीए फंड मैनेजमेंट रेगुलेशन 2022। क्या है ये आईएफएससीए? क्या है, इंडिया में गुजरात में गिफ्ट सिटी डेवलप की गई है। गिफ्ट सिटी गुजरात में डेवलप की गई है, वहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को ओपन किया गया है। ये क्या है, जैसे आप शेयर मार्केट में डील करते हो, शेयर मार्केट के अंदर हम अडानी के, अंबानी के, टाटा के, बिरला के, सभी के शेयर्स खरीद सकते हैं, सभी की कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स होते हैं या इंटरनेशनल शेयर्स होते हैं, उनको हम कैसे परचेज कर सकते हैं, वो हम परचेज कर सकते हैं वाया आईएफएससीए। यानी कि इंटरनेशनल एक अथॉरिटी वहां पे बना दी गई है, अथॉरिटी नहीं, एक एक्सचेंज बना दिया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वहां पे बना दिया गया है आईएफएससी गिफ्ट सिटी में, जहां पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उसको परचेज यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उस एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, उस एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी को डेवलप किया गया है, जिस अथॉरिटी का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। समझ गए, ये बेसिक चीज है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स में डील करने के लिए एक एक्सचेंज बनाया गया गुजरात में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एक्सचेंज, और उसको मैनेज करने के लिए, उस एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी उसके ऊपर डेवलप कर दी गई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। अब क्या हुआ है, एक ब्लैंक पेज बैठे हैं। अब क्या हुआ है, इस अथॉरिटी ने कुछ रेगुलेशंस को लॉन्च किया है। रेगुलेशंस किसके लिए? रेगुलेशंस है फंड मैनेजर्स के लिए। फंड मैनेजर्स क्या होते हैं, बाय चांस जैसे म्यूचुअल फंड होता है, हर कोई फंड का फंक्शन एक ही होता है, ये रहा फंड, इसमें कुछ लोग कुछ ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप और मैं कुछ ना कुछ पैसे म्यूचुअल फंड को देते हैं, म्यूचुअल फंड का ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, सपोज कीजिए यहाँ पे 1,000 रुपए इकट्ठे हो गए फंड में। अब जो यहाँ पे एक फंड मैनेजर बैठा होगा, फंड मैनेजर कौन है, यहाँ पे एक एक्सपर्ट बैठा होगा जो इस 1,000 रुपए को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि इक्विटी में, शेयर में या डिबेंचर्स में वो इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे एक फंड मैनेजर बैठा है एक्सपर्ट, ठीक है, वो शेयर मार्केट में इस पैसे को, हमारे रुपए को इन्वेस्ट करेगा और उसके बाद प्रॉफिट आएंगे। सपोज कीजिए 10% प्रॉफिट आया, यानी कि 1,000 रुपए 1,100 रुपए हो गए, वो प्रॉफिट हम सब के बीच में जिस जिसके पैसे थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट ये जो एक्सपर्ट है, ये अपना कुछ कमीशन भी उसमें से कट करेगा, यानी कि कमीशन कट करने के बाद वो सारे प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वापस। तो कोई भी फंड होता है वो इसी बेसिस, इसी तरह से काम करता है। अभी आईएफएससीए ने कहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, उसके अंडर अगर इस फंड के थ्रू कोई पैसा आता है, यूं फंड के थ्रू अगर कोई पैसा आता है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो फंड मैनेजर है, जो वहां पे एक्सपर्ट है, उसकी कम से कम मिनिमम नेटवर्थ 5 करोड़ की होनी चाहिए, यानी कि 5 करोड़ की उनकी खुद की नेटवर्थ भी होनी चाहिए, समझ गए, तो तभी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग कुछ इसमें रेगुलेशन आई है, आपको रिपोर्टिंग करनी है। मेन एम क्या होता है रेगुलेशन का, कि पर्सन जो है, इन्वेस्टर्स जो है, आप और मैं, हमारे साथ फ्रॉड ना हो, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए ये लॉन्च हुआ है। तो आईएफएससीए पता चल गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पता चल गया, फंड का आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया और सारी डिटेल्स पता चल गई, दिस इज द थिंग। टॉपिक नंबर टू, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना, आसाम के अंदर ये प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पहली बात, हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह हमें इस्तेमाल करना है, ये गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, बट हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करें। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। अब इस वाटर से हमें हाइड्रोजन निकालना है, दुनिया भर में यही प्रोसेस हो रहा है। तो क्या करेंगे, वाटर के अंदर करंट पास करेंगे, इस वाटर में करंट पास करेंगे, तो करंट पास करने से क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को हम कैप्चर कर लेंगे और इसको एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने एक और टॉपिक, एक और क्लास में इसको डिस्कस किया था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट डिस्कस कर रहा हूं आज। हाइड्रोजन वाटर के अंदर, H2O जो वाटर है उसके अंदर करंट पास करने से वो वाटर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को हम यूज कर लेंगे एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल कर लेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि करंट जो है वो कैसे पास होगा, करंट के लिए भी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, थर्मल पावर प्लांट से आती है। तो फिर लॉजिक क्या रहा, ग्रीन ऑफ गैस एमिशन तो उतने ही हो गए ना, तो फिर क्या करें। तो उसका एक तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी, ये विंड मिल देख रहे हो, ये रहा विंड मिल, ये रहा सोलर पावर पैनल, तो ये जो विंड मिल और सोलर पैनल्स हैं इसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करती, वो रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। उस रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे वाटर के अंदर करंट पास करने के लिए, और फिर करंट पास हो जाएगा तो हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर लेंगे, इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। गेटिंग माई पॉइंट,
अगर हम कोल को एज इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो वो बनती है ब्राउन हाइड्रोजन, समझ गए? तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है, दिस इज द थिंग अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। टॉपिक नंबर 3, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। मोदी जी की एक मिनिस्ट्री है जो बढ़िया बढ़िया स्लोगन निकालती है, ठीक है? तो द थिंग इज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, यानी कि फार्मर के साथ हमें कोलेबोरेशन करना है, दिस इज द थिंग। गवर्नमेंट का कहना है कि किसान को अगर हम अवेयर कर दें स्कीम्स के बारे में तो आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अगर फार्मर को स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो बेनिफिट कैसे अवेल करेंगे उस स्कीम का। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि फार्मर जो है उसको हम अवेयर करें, हम उनको बता दें कि कौन सी स्कीम कैसे ऑपरेट होगी, आप उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हो और आपको क्या क्या बेनिफिट उसके मिलेंगे, तो हमें अवेयरनेस करना है। इसीलिए किसान भागीदारी ही प्राथमिकता हमारी है। किसानों को अवेयर करो, फार्मर्स को अवेयर करो स्कीम्स के बारे में ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सकें। इसी सीरीज में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, फसल बीमा पाठशाला। इसमें क्या होगा, जो फसल बीमा योजना है गवर्नमेंट की, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, उसके बारे में अवेयर किया जाएगा फार्मर्स को कि कैसे आप क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक लिटरेसी कैंपेन है एक तरह से। दिस इज द थिंग अबाउट किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, कि किसानों का भागीदारी यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो फार्मर्स का, दिस इज द थिंग अबाउट दिस स्कीम। टॉपिक नंबर 4, पेटेंट फाइलिंग। पेटेंट क्या होता है, आईपीआर अलग तरह के होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, तो आईपीआर आपको पता होगा आई गेस इतना तो, ठीक है। पेटेंट क्या होता है, मैंने कोई नई इनोवेशन की है, सपोज कीजिए ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये सॉफ्टवेयर खुद ने बनाया, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने रिसर्च की, मैंने इनोवेशन किया, मैंने कुछ नया डेवलप किया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज को कोई और कॉपी ना कर ले। यार मैंने मेहनत करके मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, अब इसको कोई और कॉपी कर लेगा तो फायदा क्या, मैं क्यों बनाऊंगा फिर नया सॉफ्टवेयर, समझ गए? तो इसलिए मैं इसको पेटेंट फाइल कर सकता हूँ कि सर इस सॉफ्टवेयर को मेरी परमिशन के बिना कोई और यूज नहीं करेगा, अगर किसी को यूज करना है ये सॉफ्टवेयर तो मुझसे मुझे पहले वो पेमेंट करेगा, फिर मैं परमिशन दूंगा उसको सॉफ्टवेयर यूज करने की। तो इसको बोलते हैं पेटेंट, कि मेरी टेक्नोलॉजी को कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि नए नए पेटेंट फाइल हो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये उस कंट्री में इनोवेशन ज्यादा हो रही है, डेफिनेटली ना, साइंटिफिक रिसर्च बढ़ी है, साइंटिफिक इनोवेशन हमने ज्यादा किया है, तभी तो पेटेंट बना है। नया प्रोडक्ट कब बनेगा, जब हम उस पर रिसर्च करेंगे, जब हम उस पर इनोवेशन करेंगे। तो अगर पेटेंट बढ़े हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि रिसर्च और इनोवेशन कंट्री में बढ़ी है, और ये बढ़िया बात है, ये तो पॉजिटिव आउटकम है ना भाई कंट्री के लिए। सो दिस इज द थिंग, पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस होता है ताकि आपको एक लीगल मोनोपोली मिल जाए किसी भी इन्वेंशन के ऊपर। इट इज गवर्न्ड बाय पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। सो दिस इज द थिंग अबाउट पेटेंट। टॉपिक नंबर 5, मारियोपोल। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसी वजह से काफी जो रीजन है वो न्यूज में है, जैसे लुहांस्क है, दोनेत्स्क है, ये लुहांस्क और दोनेत्स्क, और यहाँ पे एक मारियोपोल पोर्ट सिटी भी है, इसीलिए ये भी न्यूज में, सी ऑफ अजो में है, ठीक है। इसके बारे में और क्या बताऊं यार, लोकेशन है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अलग 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 लोकेशन न्यूज में चल रहे हैं, जिसमें से मारियोपोल भी है, बस और तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। टू बी वेरी फ्रेंक, तो आ सकता है टॉपिक आ सकता है कि मारियोपोल इन द न्यूज, व्हाई इट वाज इन द न्यूज, मतलब कौन सी कंट्री में है ये, यूक्रेन में, ये बात ध्यान रखना, यूक्रेन में मारियोपोल, ठीक है, व्हाई इट वाज इन द न्यूज, या डज इट बॉर्डर सी ऑफ अजो, थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हो तो बस इस तरह के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, दिस इज द थिंग। सो चलो PYQ आंखों से पी लो, दिमाग में उतार लो भाई इसको। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, देर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। देखो इससे पता चलता है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो फर्स्ट सही होगा या थर्ड सही होगा। पेटेंट एक्ट के थ्रू ये बात सही है कि प्लांट वेराइटीज को आप पेटेंट नहीं कर सकते, बिकॉज उससे फार्मर्स को काफी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सीड बैंक को पेटेंट करना अलाउड नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है, हमारे पास अपीलेट बोर्ड, तो आंसर इसका सी आएगा। विद दिस टुडेस सेशन एंड हियर, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे हफ्ते हफ्ते।